हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत फतेहगंज के प्रधान यदुनाथ जी के पास, और आपके घर में एक बार इसके पूर्व भी प्रधानी रही है, और जब भी एससी सीट हुई है तो इनके परिवार में ही प्रधानी आई हुई है। दूसरी बार प्रधानी घर में है और स्वयं प्रधान है, और गांव के विकास के विषय पे एक वार्ता। प्रधान जी, आप प्रधान बने हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको। विकासखंड काकोरी के अंतर्गत फतेहगंज ग्राम पंचायत से हैं। आपके यहाँ ये जो हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है? हॉस्पिटल हमारे यहाँ होना चाहिए, हम तो नहीं रहे। एनएम सेंटर है, वो भी जर्जर हालत में है, कोई बैठता नहीं, जर्जर ही गिरने लायक। तो आप हॉस्पिटल की मांग करते हैं शासन से? गांव का हॉस्पिटल होना चाहिए, पहले बना हुआ था गांव के नाम से जी, मार्ग आगरा एक्सप्रेस बना हुआ है, तब वो खत्म हो गया और चला गया दूसरे गाँव जी। जी, सफाई कर्मचारी कितने हैं आपके यहाँ? है हमारे ग्राम पंचायत। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती? आंगनवाड़ी कार्यकर्ती दो। आशा बहु दो। अच्छा, ये जो शासन से कोई विशेष योजना चाहते हैं आप? हम शासन चाहते हैं गांव का जो है, गांव में सब आरसीसी रोड बन जाए, नाली की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, पानी निकास की व्यवस्था बढ़िया हो जाए। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सब खड़ंजा बैठे हुए हैं, पानी जो है ऊपर बढ़ जाता है, तन पर पड़ता है मेरा, और सब पानी ऊपर ऊपर बढ़ जाता है, पानी निकास की व्यवस्था कहीं है नहीं। तब तालाब ओवर हैं, तालाब और फिर ये हैं कि समरसेबुल घर घर लगे हुए हैं, सब टैंक भरे हुए पानी से, समझ तालाबों को तालाबों में जाता वो भरे रहते हैं, पानी निकास भी होना चाहिए सुंदर बचती है। और बाजार का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बाजार के मतलब मंदिर बाजार लगती है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है जी, वो भी जो है ऊंचा किया जाए, मट्टी डाल करके ऊंचा बनाया जाए, तब वो बाजार जो है बढ़िया सुंदर हो जाएगा। असली कठिनाई, मेन जो कठिनाई है वो जल निकासी की है? जल निकासी की है, नाली की नहीं है, नाली नहीं सुंदर बढ़िया। अच्छा, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं? नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। शासन नाली का लिए पैसा अतिरिक्त जारी करे, और इसके साथ में आरसीसी की भी व्यवस्था करे, इंटरलॉकिंग की करे, जिससे कि खड़ंजे सही ढंग से बने और उनके बगल में नाली का निर्माण हो। नाली के निर्माण के साथ में ही निकासी जब पानी की रहेगी तो स्वच्छता और सफाई भी रहेगी, और इसी तरह बाजार में भी जो दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। पानी निकास है नहीं कहीं जी जी, पानी भरा हुआ बाजार में। प्रधान जी की शासन से मांग है कि नाली और खड़ंजे के लिए अतिरिक्त पैसा शासन अधिक प्रेषित करें, और उससे जो नाली और खड़ंजा बनेगा तो जो नाली बनेगी उस नाली का जो निकास पानी का होगा उससे गांव में सौंदर्यीकरण होगा, और जो खड़ंजे बनेंगे वो मजबूती से आगे कई वर्षों तक रहेंगे, जिससे कि पानी भरने की वजह से वो टूट जाते हैं। हाँ, पुराने खड़ंजे सब बैठ गए हैं, पुराने खड़े मकान पक्के बन गए हैं, खड़ंजे नीचे हो गए सब, और नाली भी नीचे हो गई सब, इनको जो है आरसीसी में ट्रांसफर होना, बदले जाए आरसीसी में, बने या इंटरलॉकिंग बदले जाए, नए तरह से नालियाँ बने, और जो नई बस्ती बसी हुई है गाँव में, नई बस्ती बसी हुई है वहाँ पर खड़ंजा लग जाए, नाली बने, माटी उतारे जाए, वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या निकाल के, नई आबादी बसी हुई है जी, वहाँ पर तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है प्रधान जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात को शासन तक पहुँचाऊँगा, विकासखंड अधिकारी CDO और DM तक पहुँचाऊँगा, और जरूरत पड़ने पे मेरे ग्राम विकास मंत्री से भी संबंध है, उन तक आपकी बात को पहुँचाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपकी इस योजना में सफलता हासिल होगी। आप बीती जगबीती न्यूज़ से रामजी त्रिपाठी, लखनऊ।